दोस्तों टीम इंडिया ने तीन वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्ट इंडीज को 3 रनों से हरा दिया। कप्तान शिखर धवन ने 97 रन की धमाकेदार पारी खेली, हालांकि वो अपने शतक से चूक गए। धवन बाउंड्री लगाकर अपना शतक पूरा करना चाहते थे, लेकिन वो कैच थमा बैठे। और इसके अलावा गिल ने 64 रन की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन वो निकोलस पूरन के थ्रो पर रन आउट हो गए। और वहीं श्रेयस अय्यर ने 57 गेंदों में 54 रन की पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव सिर्फ 14 गेंदों में 13 रन ही बना सके। और वहीं सैमसन भी 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि दीपक हुड्डा ने 27 रन की पारी खेली और वहीं अक्षर पटेल ने 21 रन की पारी खेली। इस प्रकार टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 308 रन बना लिए, जबकि जवाब में वेस्ट इंडीज की टीम 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 305 रन ही बना सकी। वेस्ट इंडीज की ओर से काइल मेयर्स ने सबसे ज्यादा 75 रन बनाए, जबकि ब्रेंडन किंग ने 54 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और यजवेंद्र चहल ने 2-2 विकेट लिए। और इस मुकाबले का आखिरी ओवर काफी रोमांचक भरा ओवर रहा। वेस्ट इंडीज को जीत के लिए आखिरी ओवर में 15 रन की जरूरत थी, लेकिन इंडिया की तरफ से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ 11 रन ही खर्च किए और इस मुकाबले को टीम इंडिया 3 रन से जीत गई।